चलिए, गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स और साथ साथ सीसीएल प्रोडक्ट्स, जहां पर ब्रोकिंग फंडामेंटल रीजंस दे रहे हैं जहां पर खरीदारी का मौका बनता है, लेकिन टेक्निकल टर्म्स में सर अगर आप आशीष जी ट्रैक करते हैं सीसीएल प्रोडक्ट्स या फिर गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स को, तो एक्जैक्टली सही स्तर बताएं जहां पर जो इन्वेस्टर्स है वो एक्युमुलेट करेंगे तो ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उनके फेवर में आता हुआ नजर आएगा। रजत जी, पहला स्टॉक अगर हम डिस्कस करते हैं गल्फ ऑयल का, तो गल्फ ऑयल ने कल यहाँ पे एक डाउन की तरफ, नीचे की तरफ ब्रेकआउट दिया है, तो यहाँ पे नई बाइंग पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, ऐसी मेरी सलाह होगी। अगर नया ट्रेड इनिशिएट करना है तो वो करीबन 390 के लेवल के करीब यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, 390। उस केस में हम स्टॉप लॉस लगाएंगे 385 का और पहला लक्ष्य होगा ऊपर की तरफ 430 का। नया अभी कोई भी ये नहीं करना चाहिए। दूसरा स्टॉक हम जो डिस्कस कर रहे थे सीसीएल प्रोडक्ट जी, सीसीएल प्रोडक्ट एक बहुत ही अच्छे ट्रेंड में ऊपर की तरफ जाता हुआ देख रहे हैं हम लोग। हालांकि कुछ करेक्शन हुआ है इस स्टॉक में, लेकिन ये करेक्शन अच्छा है इस स्टॉक के लिए, ये और ऊपर जाने की संभावना है। यहाँ पे भी बाइंग इनिशिएट की जा सकती है, उस लेवल उसके लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए 178 का और पहला लक्ष्य होगा हमारा करीबन 203 रुपीज का। चलिए, सीसीएल प्रोडक्ट्स में फ्रेश पोजीशन ऐड करें मौजूदा स्तर पर, और 390 के स्तर पर अगर आपको ये मिलता है गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में आता हुआ नजर आएगा। तकनीकी राय हो गई, लेकिन एक काउंटर अब और देखिए, ये भी मेरे रडार पर आया क्योंकि बाजार पे बाउंस है। ग्रेफाइट इंडिया, आप इस काउंटर को अगर ट्रैक करते हो क्योंकि अभी 5% ऊपर है, लेकिन जिस तरीके से चढ़ा है 80 के लेवल से सपोर्ट लेके, क्या लगता है तेजी और बढ़ सकते हैं अब 6.5% ऊपर दिन के उच्चतम स्तर पे? ग्रेफाइट पे आपकी राय सर? ग्रेफाइट पे नई पोजीशन इनिशिएट नहीं करनी चाहिए। अगर कोई निवेशक यहाँ पे होल्ड करके रखा है तो उसने इस स्टॉक में से एग्जिट होना चाहिए, क्योंकि कंटिन्यूअस लोअर टॉप लोअर बॉटम बनाते हुए ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। अगर इस स्टॉक में कोई नया इन्वेस्टर निवेश करना चाहता है तो उसने इस स्टॉक को 85 के ऊपर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। जब तक ये 85 के नीचे तब तक इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए। एक और काउंटर देखिए, प्रिकोल, और वैसे पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर जिस तरीके से ऑटो एंसिलरी स्पेस में बाइंग थी, प्रिकोल पे आप क्या नजर रखते हैं अभी 32-30 के लेवल पे? क्या लगता है काउंटर यहां से रफ्तार पकड़ सकता है प्रिकोल? सुनाई नहीं दिया, विच स्टॉक? प्रिकोल लिमिटेड में बात कर रहा हूं। अगर आप इसको ट्रैक करते हो तो प्रिकोल का जो मौजूदा रेट है वो है 32.25 रुपए का, 4% के आसपास की तेजी देख चुके हैं पिछले कुछ दिनों से, लगातार प्रिकोल जो है वो ट्रेडर्स के रडार पर है। सर, यहां से क्या और अपसाइड देखते हैं आप इस काउंटर पर, निवेशक क्या करें? इस स्टॉक में अभी भी निवेश नहीं करना चाहिए। जब तक ये 35 के नीचे है तब तक इस स्टॉक में कोई नई पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। 35 के ऊपर हमें यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा। चलिए, बायस क्योंकि बाजार का ओवरऑल नेगेटिव है, तो जो आप ज्यादातर नजरिए दे रहे हैं वो नेगेटिव साइड पे ही निकल के आ रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो स्पेस आज बस कर रहा है वो है ऑयल एंड गैस स्पेस। क्या लगता है यहाँ से ऑयल एंड गैस स्पेस में क्या ये और रफ्तार देखते हैं आती हुई? कुछ काउंटर्स जो आप डिस्कस करना चाहेंगे स्पेस से जहां पर अच्छा पैसा बन सकता है? नहीं, अभी कोई भी नई पोजीशन इनिशिएट नहीं करनी चाहिए क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो बेयरिश है। हालांकि कुछ सेक्टर्स में हम उछाल देखते हुए पाएंगे, लेकिन जब तक टेक्निकल चार्ट पर ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न नहीं दिखाई देता तब तक मैं नई पोजीशन इनिशिएट करने की सलाह नहीं दूंगा। चलिए सर, फिर एक स्पेशलिटी रेस्टोरेंट पे भी आप राय दे दें क्योंकि आज बाजार जितना चढ़ रहा है उससे बहुत स्पीड से उसको आउट परफॉर्म कर रहा है स्पेशलिटी, 10% का रिटर्न, क्योंकि बहुत ज्यादा बीट एंड डाउन था तो कहीं ना कहीं बाउंस तो एक्सपेक्टेड था ही, लेकिन स्पेशलिटी आज 10% का रिटर्न दे चुका है। क्या करें, आज एग्जिट कर जाएं या फिर अभी होल्ड करें? स्पेशलिटी में और रिटर्न मिल सकते हैं। नहीं, यहाँ पे एग्जिट करने की सलाह होगी रजत जी मेरी, क्योंकि इसने डाउन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है और मैं देख सकता हूँ कि ये स्टॉक करीबन 126 तक भी आ सकता है, तो यहाँ पे नई पोजीशन, बुलिश पोजीशन ओपन नहीं करनी चाहिए। राइट, आईटी काउंट इनफैक्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर चर्चा करने के लिए सर, और ट्रेडिंग आइडियाज बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।